तो माता अनुसुईया के दर्शन करने के बाद, जैसे कि यहाँ के पुजारी जी द्वारा बताया गया था कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अत्रि मुनि जी का आश्रम था, जो कि माता अनुसुईया के पति परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं। उनका वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। तो अभी हम वहीं की ओर रवाना हो गए हैं। वहाँ से लगभग अभी तो समय हुआ है लगभग 4:45 का, तो लगभग आधे पौन घंटे में हम वापस आ जाएंगे। अब इतना समय भी नहीं होगा, तो कुछ दृश्य आपको रास्ते में दिखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ फर्जी ब्लॉगर चैनल के साथ। अभी अभी जैसा कि आपको पता है, हमको 1 घंटे पहले हमारे राज्य का राज्य वृक्ष मिला था, और उसी के साथ हमको अभी राज्य पुष्प मिला है। राज्य पक्षी मिला है। कौन मिला साहब हमको? राज्य पक्षी। गाइस इधर जंगलों में बहुत हल्ला हो रहा है, तो इधर गाइस लगता है राज्य खाने की व्यवस्था हो गई। मुर्गी है भी तो दिख गई नीचे झाड़ियों में, कुछ दिखेगी नहीं है। थोड़ी देर पहले राज्य वृक्ष दिखा था बुरांस, और अब हमें राज्य पक्षी दिखा है मोनाल। अब थोड़ी देर के पता राष्ट्रीय पशु न मिल जाए, इसलिए हम डर रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि जी के आश्रम की ओर। तो यहां से देख सकते हैं आप, इधर एक घंटिया टंगी हुई है हमारे मित्र आगे जाते हुए। तो गाइस देखो, हम अभी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। जल्दी आओ, यहाँ उधरना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि आश्रम की ओर। हम पहुंच चुके हैं एक भव्य सुंदर अति उत्तम मनोहक दृश्य की ओर। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए गाइस, सुबह की ओर मुद्रा में लेक। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि आश्रम। अत्रि मुनि आश्रम के लिए थोड़ा डगर कठिन है, लेकिन हम जाएंगे यहाँ पे। जो आपको यहाँ पे गुफा दिख रही है, ये वाली गुफा, यहाँ पे अत्रि मुनि जी का आश्रम है। देखिए तो कितना मनोरम दृश्य है गाइस। गोपेश्वर आए हुए 2 साल हो गए पूरे, लेकिन यहाँ आने की जो इच्छा थी वो आज 2 साल के समाप्ति होने पर पूर्ण हो रही है। तो गाइस आपको ले चलते हैं हम पहाड़ी की ओर, उस पार जहाँ हमारे अत्रि मुनि जी बैठ के तपस्या करते थे। देखिए गाइस कैसा रास्ता चढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। लेफ्ट, अब कैमरा पकड़ना, फिर कैमरा पकड़ना, फिर बेटा हेलो भाई। देखिए गाइस हेलो दोस्तों, मैंने 2015 में एडवेंचर कोर्स किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से, और उसमें भी सेम ऐसा ही एडवेंचर था जैसा यहाँ पे है। तो उसका फायदा है, ये जीवन और मरण की सीमा लग रही है। ये कैमरा पकड़ो, उमंग जी कैमरा पकड़ा। हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, और ये पीछे फर्जी ब्लॉगर, यहाँ के लिए साहस और अदम्य साहस की जरूरत है। उमंग जी और ये उमंग जी आगे बनाई कर को। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम कैसे कैसे रास्ते से आते आते दिख रहे, नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी मशक्कत हो रही है यहाँ पे, इतनी सी तंग गुफा है, और हमारे साथी अपना संघर्ष दिखाते हुए गाइस। देखिए गाइस इतना आसानी है, इसलिए
यूं ही नहीं कहते हैं उत्तराखंड को देवभूमि। दूर जा दूर जा। खाने देखा खाना। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी चूक कितना भारी नुकसान करवा सकती है आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप दिल के थोड़े छोटे हैं या आप डरते हैं ऐसे ऐसे चलने से, आप डरते हैं अगर, तो आपके लिए एक दूसरा रास्ता भी यहाँ से है, जहाँ से कि हमने वो रास्ता पकड़ा था नीचे से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे क्रॉस है और फिर रास्ते यहाँ होते हुए, ये आप देख सकते हैं, और ये रास्ते सीधे होते हुए फिर यहीं पत्थर के पीछे अत्रि मुनि जी का मंदिर है, वहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन हम हैं दिलेर आदमी, हम इधर से ना होके हम चलेंगे इधर से। किधर से चलेंगे? इधर से। ये देखो गाइस कैसे रंडा पड़ रहा है इधर से। ये देखो उमंग जी तो पहुंच चुके हैं, अब हमारी बारी। हेलो दोस्तों, जा चुके एक बैंकरी एडवेंचर लाइन में, और वहां पे एक साथी हमारा पहुंच चुका है, और एक मैं चलने वाला हूं और एक मेरे से पीछे से है, और देव पैर पकड़ ले, वो पैर छोड़ दे, और ये आगे से देखेंगे। ओए कैमरामैन छोड़ना। देखो देखो दोस्तों कैसी कैसी यहां पे संक्रा मार्ग है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये विनोद जी है, पहुंच चुके हैं धीरे धीरे सरकते हुए, बिल्कुल सांप की तरह नागिन जैसे बल खाते हुए आती है, बिल्कुल वैसी। अभी हमारा पूरा फकीर आदमी काल चल रहा है, जीत के आ जाए। देख सकते हैं कितनी मशक्कत हो रही है, बिल्कुल हाथ के जो है। आ जाइए, तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये रास्ता? देख ही सकते हैं यहाँ पे मस्त आ रही है फोटो, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसी कैसी घाटियाँ हैं, कैसे कैसे रास्ते हैं बाइक की। तो आप अभी तो कुछ नहीं है, ये देखो गाइस अभी यहाँ उतरने, हमने यहाँ उतरने, देखो यहाँ उतरने, यहाँ से एक पड़ाव बचा है, देख सकते हैं आप। ये लोहे के संगल है जिसको पकड़िए कि हम इस रास्ते पहुँचेंगे। पहले हमारे विनोद जी जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। हाँ उसके बाद आप जाना, फिर उसके बाद हम जाएंगे। देख सकते हैं आपकी, चल 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 हो गए वो। तो विनोद जी लगभग लगभग पहुंच गए हैं, अब सुभाष जी की बारी है, बिल्कुल कोशिश करते रहिए नीचे धीरे धीरे उतरने की। उसी के साथ हम भी पीछे से, मैं भी पीछे से हल्के कदमों से दोस्तों का साथ बनाऊंगा। तो इसी के साथ कैमरा पास कराते हुए, कैमरा पास कराने की ये कैमरा विनोद जी पकड़ेंगे, लीजिए का साहब, अगर हम गिर भी गए तो। हेलो दोस्तों, अभी हमारा लास्ट स्टेप्स है, यहाँ से हम सुरक्षित निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको एडवेंचर करने का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं भ्रमण में, यहाँ पे एक ये झरना भी है, वाटरफॉल है भयंकर वाला, और ये दो साहसी आदमी निकलते हुए। चलो जी जान बची, उनको निकालवा अभी, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, और अब हम सफल आरोहण कर चुके हैं। बना रहा हूँ
तो गाइस फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि जो आज का हमारा ट्रिप रहा, ये रहा था हमारा अनसुईया माता और महाराज अत्रि मुनि के कुटिया तक। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया था इस वीडियो के दौरान कि कैसे कैसे हम पहुँचे और क्या क्या बीच में आपको दृश्य का अनुभव हुआ, तो इसी के साथ अब हम अपने दूसरे मित्र की ओर, जो कि है हमारे मंडली के एकदम खास प्रिय अनुभवकर्ता विनोद जी। तो विनोद जी आपको बताएंगे अब। हेलो दोस्तों, तो हमारा ट्रैक हो चुका है पूरा और अब हम प्रस्थान कर चुके हैं घर की ओर, इसलिए हम आपको अंतिम शब्दों से आपका अपनी ये 13,000 की जो हमारी YouTube फैमिली है फर्जी ब्लॉगर, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप हमारा इसी तरह सपोर्ट और अपना प्यार स्नेह बनाए रखेंगे हमारे प्रति। आई होप आपको ये हमारा ये जो ब्लॉग है ये बहुत ही रोमांचित करेगा और इससे आगे हम लास्ट में जो अंतिम जो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे वो करेंगे हमारे जो इस चैनल के मेंटोर है, वो है फर्जी ब्लॉगर सुभाष राणा जी। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने हमारी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया, उसे शेयर किया, मैं उम्मीद नहीं आपसे पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार और अपना स्नेह देंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, आपको आनंदित करता है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति माता रानी के जयकारे के साथ करते हैं। बोले अनसुईया माता की। जय दोस्तों, बाय 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 गाइस।